हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो है हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं फॉर जीके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिसमें हमने सेक्शन वाइज जो हैं टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट टाइम संग इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली बार नेशनल एंथम कब गाई गई थी? ए है बनारस सेशन, बी है कलकत्ता, सी है मद्रास, डी है इलाहाबाद। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहली बार कलकत्ता के सेशन में 1911 में जो है हमारी नेशनल एंथम गाई गई थी, और नेशनल एंथम किसने कंपोज की है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, द बैटल ऑफ टेन किंग्स वो वन बाय द सुदाज इज नोन एज। जो बैटल ऑफ टेन किंग्स हुई थी जिसको सुदाज ने जीता था उसको क्या बोलते हैं? ए बैटल ऑफ प्लासे, बी बैटल ऑफ चौसा, सी द सारियन वॉर, डी द अर्जना वॉर। तो सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको द अर्जना वॉर कहते हैं, बैटल ऑफ टेन किंग्स को। थर्ड क्वेश्चन, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम ए सामवेद, बी वृद्धयरंग उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी ऋग्वेदा। तो सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, और ये मुंडक उपनिषद किस में आता है? हमारे अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऋग्वेदिक गॉड वॉज ऑल्सो नोन एज ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। कौन से ऋग्वेदिक गॉड को ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स बोलते थे? ए है अग्नि, बी है इंद्र, सी है वरुण, डी है विष्णु। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंद्र देवता जो थे इनको ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी कहते थे, तो फोर्थ का बी राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इज बिल्ट बाय ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी आर्यंस, डी मुगल्स। तो किसने बनाया है दिलवारा टेम्पल? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, जैनिज्म के जो लोग थे उन्होंने ही माउंट आबू पे दिलवारा टेम्पल बनवाया था। अब माउंट आबू कहाँ पे है? हमारा राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ अरब्स रिटन बाय काजी इस्माइल इज नोन एज। तो हिस्ट्री ऑफ अरब्स को क्या बोलते हैं? मैंने अपनी जो एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर काफ़ी MCQs लाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दे दूँगी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बहुत से क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग कवर किए हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो आप ज़रूर वो वीडियो देखेगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने उसमें भी पूछा था सब बच्चों से, एंड काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में। तो हिस्ट्री ऑफ अरब्स जो है रिटन बाय काजी इस्माइल उसको क्या बोलते हैं? ए अरब हिस्ट्री, बी शाहनामा, सी फतेहनामा सिंध, डी बोथ बी एंड सी। तो हिस्ट्री ऑफ अरब्स को बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर डी जो है, बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। उसको चाहनामा भी बोलते हैं और उसको फतेहनामा सिंध भी बोलते हैं, और किसने लिखी है? काजी इस्माइल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ रेवोल्यूशन इन इंडिया। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? ए मैडम क्यूरी, बी मैडम कामा, सी मैडम विक्टोरिया, डी इंदिरा गांधी जी। तो सेवन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैडम बिकानेरजी कामा जो है इनको ही मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एट्थ क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा और डोर ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट बाय, किसने बनाया था बुलंद दरवाज़ा? ए अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था जिसको हम डोर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बिल्ट एट। पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई गई थी? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी सूरत, डी लखनऊ। तो नाइन्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूरत में जो है पहली फैक्ट्री बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। टेंथ क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया फॉर ट्रेड वॉज। पोर्चुगीज़ का हेडक्वार्टर क्या था ट्रेडिंग के लिए इंडिया में? ए है गोवा, बी तमिलनाडु, सी लखनऊ, डी कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, गोवा वॉज द हेडक्वार्टर, और जो पोर्चुगीज़ थे देवर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड देवर ऑल्सो द लास्ट वन टू लीव इंडिया। ठीक है, उनमें सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डा गामा। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे? केप ऑफ गुड होप से। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट था। तो टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इलेवंथ क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसने दिया है स्लोगन? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी जी। तो इलेवंथ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ट्वेल्थ क्वेश्चन,
विच सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन इन इंडिया. पहला नॉन कॉपरेशन कौन से सत्याग्रह को माना जाता था? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, डी एंटी रॉलेट सत्याग्रह. तो ट्वेल्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, इसको जो है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन माना जाता है. जो चंपारण सत्याग्रह था इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है. ठीक है, और जो है हमारा अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक हुई थी इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक माना जाता है. ठीक है, तो ट्वेल्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेड़ा सत्याग्रह. पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिसाइडेड ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ INC? तो कांग्रेस के कौन से सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी सूरत. तो 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की जो है डिमांड की गई थी. 14th क्वेश्चन, प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय? ए आत्माराम पांडुरंग, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी राजा राममोहन रॉय. तो प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग जो थे इन्होंने ही एस्टैब्लिश की थी. ठीक है, तो 14th का ए राइट आंसर है. 15th क्वेश्चन, फोर वर्नर्स वर बॉर्न फ्रॉम माउथ आर्म्स थाइस फीट ऑफ क्रिएटर ब्रह्मा इज एक्सप्लेन्ड इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा? तो ऋग्वेद के आपको पता है कुछ मंडल है. ठीक है, उसमें एक मंडल में जो है फोर वर्ना जो है ये दिए गए हैं कि माउथ आर्म थाइस और फीस जो है ये क्रिएटर ब्रह्मा जो हैं उनसे बने हैं. तो ए है फोर्थ मंडला, बी है एट्थ, सी है नाइन्थ, डी है टेंथ. तो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, टेंथ मंडला जो है उसी में ये चीज़ बताई गई है. 16th क्वेश्चन, वेयर इज द मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड वेयर अ हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहिब हैज़ बीन प्रिजर्व्ड? तो पैगंबर मोहम्मद साहिब जी का जो हेयर है, ठीक है, वो कौन सी मुस्लिम मॉस्क जो है कहाँ पे वो मुस्लिम मॉस्क है जहाँ पे ये प्रिजर्व करके रखा गया है? ए है श्रीनगर, बी है मक्का, डी है अजमेर, सी है अजमेर, डी है लखनऊ. तो ये सबको पता होगा कि हमारे श्रीनगर में जो है वहाँ पे ही ये रखा गया है. तो ऑप्शन ए जो है 16th का राइट आंसर है. 17th क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन से साल में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी? ए 1940, बी 1942, सी 1934, डी 1932. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1942. ठीक है, और क्विट इंडिया में ही हमने स्लोगन दिया था डू और डॉय गांधी जी ने. ठीक है, 18th क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ मिडिवल इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज द वाइजेस्ट फूल? तो वाइजेस्ट फूल किसको कहा जाता था या इसको जो है मैड किंग भी बोला जाता था इस वाले किंग को. ठीक है, तो ये कौन थे? ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है इल्तुतमिश, डी है अकबर. तो 18th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसको वाइजेस्ट फूल नाम से भी जाना जाता था या मैड किंग नाम से भी जाना जाता था. 19th क्वेश्चन, हु अटेंडेड ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट? तो सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसने अटेंड की थी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पे? ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है प्रिंसली स्टेट्स, एंड डी है बी आर अम्बेडकर. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनको अटेंड किया था. 20th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में पहली वुमेन रूलर कौन थी? ए रानी पद्मावती, बी कीर्ति खुम्बा, सी रजिया सुल्तान, डी नन ऑफ दिस. तो 20th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. 21st, नेक्स्ट समर ओलंपिक्स 2024 इज टू बी हेल्ड एट? ए लंदन, बी पेरिस, सी इंडिया, डी चाइना. तो नेक्स्ट जो समर ओलंपिक्स होंगे जो 2024 में होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, पेरिस फ्रांस में जो है हमारे जो नेक्स्ट समर ओलंपिक्स हैं वो कंडक्ट होंगे. ठीक है, 22nd, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? ए लोनार, बी कंवर, सी लोकतक, डी रूपकुंड. तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, लोकतक लेक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इसी पे जो है फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है. ठीक है, इसको लोकतक लेक को. ठीक है, तो 22nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? इंडिया में से इनमें से कौन से डिजीज है जो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड है? ए पोलियो, बी स्मॉल पॉक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन. तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो बोथ आर कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. 24th क्वेश्चन,
What was the India's rank in Sustainable Development Report 2021? तो 2021 की जो Sustainable Development Report आई थी उसमें इंडिया का क्या रैंक था? A 120, B 125, C 100, D 115. तो 24th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 120th रैंक जो था वो इंडिया का था Sustainable Development Report 2021 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली Tamlong Mandarin Orange got GI tag, it belongs to which state? A Mizoram, B Kerala, C West Bengal, D Manipur. तो जो ये ऑरेंज है इसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मणिपुर से जो है ये बिलोंग करता है. 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक? ए सो मोरेरी, बी बैकाल, सी मरीना, डी पैंगोंग. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैंगोंग लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है. 27th, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागर मथा इन ए तिब्बत, बी ए इंडिया, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी चाइना. तो माउंट एवरेस्ट को सागर मथा कहाँ पे कहा जाता है? 27th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नेपाल में. 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज ऑल्सो नोन एज शाइनिंग क्रेस्ट ऑन द अर्थ? तो शाइनिंग क्रेस्ट ऑन द अर्थ कौन सी रेंज को कहा जाता है? एंड दिस क्वेश्चन वॉज इन जेके PSC एग्जाम ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, ये वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शाइनिंग क्रेस्ट ऑन अर्थ है ये कौन सी माउंटेन रेंज को कहा जाता है? ए कराकोरम, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी हिमालयाज. तो 28th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराकोरम रेंज जो है इसी को शाइनिंग क्रेस्ट ऑन अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है. 29th, राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड ओवर विच हिल्स? ए अजंता, बी सतमाला, सी रायसीना, डी पारसनाथ. तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायसीना हिल्स, ठीक है. 30th क्वेश्चन, डीपेस्ट ओशन पॉइंट मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन? ए अटलांटिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी आर्टिक ओशन. तो हमारा जो मरीना ट्रेंच है विच इज़ द डीपेस्ट ओशन पॉइंट वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो 30th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन, ठीक है. 31st क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ए राजीव कुमार, बी एम अयंगर, सी ओम बिरला, डी वेंकैया नायडू. तो 31st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला. 32nd, विच एक्ट वॉज कॉल्ड एक्ट ऑफ स्लेवरी बाय जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन से एक्ट को एक्ट ऑफ स्लेवरी कहा था? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी चार्टर एक्ट 1833. तो 32nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था इसको एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. 33, द वर्ल्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट? ए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी उसी में हमने प्रीएम्बल में ये नए तीन वर्ड्स जो हैं सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड किए थे. 34th, which constitutional remedy is also known as post-mortem? तो constitutional remedy आपको पता है हमारे writs होते हैं, ठीक है, इनको constitutional remedies भी कहा जाता है, ठीक है, और कौन से constitutional remedy को हम post-mortem के नाम से भी जानते हैं? A है prohibition, B है quo warranto, C है certiorari, D है none of these. तो 34th का right answer option number C, जो certiorari होता है उसको post-mortem का नाम भी दिया गया है. 35th, अंडर विच आर्टिकल रिट्स कैन बी अप्लाइड ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट? तो यहाँ पे पूछा है कि हाई कोर्ट जो है उसमें हम रिट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स में अप्लाई कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के अंदर? तो ए है आर्टिकल 32, बी है आर्टिकल 322, सी है आर्टिकल 226, डी है आर्टिकल 223. तो 35 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आर्टिकल 226 जो है इसके अंडर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट्स को लेकर, ठीक है, रिट्स जो हम फंडामेंटल राइट्स पे लगा सकते हैं वो हम आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है. 36th क्वेश्चन, प्रेजिडेंट कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट अंडर ए आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 360, सी आर्टिकल 352, डी नन ऑफ दिस. तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आर्टिकल 356 जो है इसके अंडर जो है प्रेजिडेंट जो है एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाएगा किसी भी स्टेट में, ठीक है. 37th, फाइनेंस कमीशन केम इन टू इंडिया इन विच ईयर? ए 1947, बी 1950, सी 1964, डी 1951. तो 37th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1951 में फाइनेंस कमीशन जो है वो इंडिया में लगी थी. ए है 38th क्वेश्चन है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको प्रेजेंट करता है? ए है प्राइम मिनिस्टर, बी है वाइस प्रेसिडेंट, सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी है स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट देता है, और वाइस वर्सा है ये कंडीशन कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को ही देता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को देता है। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एडेड इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एड नहीं हुआ है? ठीक है, विच इज नॉट एडेड, ए है सोशलिस्ट, बी है सेक्युलर, सी है फेडरल, डी है टू द पीपल। तो टू द पीपल तो स्टार्टिंग है हमारे प्रीएम्बल की, ये तो सबको पता है, और सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये हमारे 42nd अमेंडमेंट में जो है एड किए गए थे प्रीएम्बल में। तो जी ये फेडरल वर्ड है ये हमारे प्रीएम्बल में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, दिस वर्ड इज नॉट एडेड इन प्रीएम्बल। तो 39th का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फेडरल। 40th क्वेश्चन, विच कमिटी वॉज सेटअप फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेपरेशन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जब सेपरेट किया गया था तो कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? ए है श्री कृष्णा कमेटी, बी है अनंत मेहता कमेटी, सी है वी एम डांडेकर कमेटी, डी है बी के नारायण कमेटी। तो इसका राइट आंसर 40 का है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्री कृष्णा कमेटी जो है वही बिठाई गई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सेपरेशन के लिए। 41st, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? ए है December 9, 1946, बी है November 9, 1946, सी है January 22, 1947, डी है December 13, 1946। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, December 9, 1946 को जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 42nd, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच एक्ट? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो डायरकी जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 42nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी उसी में डायरकी जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट लेटर ऑन इट फेल्ड। 43rd क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, 43rd क्वेश्चन, पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड मैकॉले, डी लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इन्होंने ही पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। 44th, विच एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी नन ऑफ दिस। तो 44th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1858 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी उसी को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। 45th, बोडो डोगरी संथली एंड मंथली वॉज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है बोडो डोगरी और संथली मंथली को ऐड किया गया था हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में? टोटल हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अभी? 12 हैं, ठीक है, सॉरी 22 हैं, ठीक है, तो ए है 92nd, बी है 105, सी है 81, डी है 42nd। तो 45th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी 2003 में हुई थी ये, येस आई गेस 2003 में हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसी में जो है हमारी ये चार लैंग्वेजेस जो हैं इनको ऐड किया गया था, ठीक है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है, मिनट, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंग्लिश इज़ नॉट आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी स्टेट अगर चाहे तो इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है, और इसी के चलते जो नागालैंड है ना, ठीक है, नागालैंड ने इंग्लिश को अपनी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। 46th क्वेश्चन, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एसटी और एस जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, ये कौन से शेड्यूल में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ए है 88th, बी है 5th, सी है 12th, डी है 44th। तो 46th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5th जो शेड्यूल है उसी में इन दोनों के बारे में बताया गया है। 47th क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी? एमरजेंसी के टाइम पे ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मैंने अपनी जो मैंने आपको बताया कि
हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं एमसीक्यूज़ के अवेलेबल है। तो पॉलिटी की जो मैंने मॉक टेस्ट वीडियो लाई है फॉर JKPSSI, ठीक है, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर वो भी देखिएगा, ठीक है। ए है आर्टिकल 14 एंड 15, बी है आर्टिकल 19 एंड 20, सी है आर्टिकल 29 एंड 30, डी है आर्टिकल 20 एंड 21। तो 47th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 जो है ये इमरजेंसी के टाइम भी जो है सस्पेंड नहीं होते हैं। 48th, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बी ऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आंध्र प्रदेश है उसको हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइज किया था, एंड इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी ऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 49th क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल, ठीक है। 49th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। 50th क्वेश्चन, हु वॉज द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपको पता है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, ठीक है, तो उसमें दो प्रेजिडेंट बनाए थे। एक जो थे उनको एज अ ओल्डेस्ट मेंबर जो है पहले चुन लिया गया था, ठीक है, तो वो टेम्परेरी प्रेजिडेंट थे, बट बाद में जो है एक परमानेंट प्रेजिडेंट बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है एच सी मुखर्जी, डी है जी वी मवलानकर। तो 50th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही वॉज द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और पहले जिनको बनाया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, एज अ टेम्प्रेरी प्रेजिडेंट। तो 50th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51st क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के चीफ ड्राफ्टर कौन थे, ए बी आर अम्बेडकर, बी एम एन रॉय, सी एन गोपालस्वामी अयंगर, डी गुलाम रसूल रेंजो। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो ये थे हमारे एन गोपालस्वामी अयंगर, ही वॉज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। 52nd क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। तो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन जो है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, ए है सेक्शन 4, बी है सेक्शन 51, सी है सेक्शन 14, डी है सेक्शन 15। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सेक्शन 15 है इसी में जो है वुमेन की जो रिजर्व सीट्स रखी जाएंगी उसके बारे में बताया गया है। 53rd, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कितने पार्ट्स हैं, ए है 14, बी है 12, सी है 18, डी है 15। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 पार्ट्स आर देयर ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 54th क्वेश्चन, द अमेंडमेंट टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज डन बाय ए 6 February 2022। तो ये कब हुई थी अमेंडमेंट, यहाँ पे पूछा है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारी अमेंडमेंट हुई है रीसेंट, ठीक है, तो ये कौन सी डेट को हुई थी, ए है 6 February 2022, बी है 7 January 2021, सी है 7 January 2022, डी है 6 February 2021। तो 54th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 January 2021 को जो है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। आपको पता है एडमिट कैडर जो है वो एड ऑन किया गया था। 55th क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा वर इन फेवर ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जब हमारी ये एक्ट का जो है लागू करने का बोला गया था, ठीक है, तो हमारे लोकसभा में कितने मेंबर जो थे वो इसके फेवर में थे, ठीक है। तो ए है 270, बी है 221, सी है 354, डी है 370। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 370। और ये आपको याद भी रह सकता है, बिकॉज यू नो आर्टिकल 370 को ही खत्म कर अबॉलिश करने के लिए जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाई गई थी, और उसी के फेवर में जो है 370 मेंबर्स ही थे लोकसभा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 56th क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज डन बाय ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी नेशनल सैम्पल सर्वे, सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 56th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, NSA जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वही पॉवर्टी जो है इंडिया में उसका एस्टिमेट करता है, ठीक है, तो सी राइट आंसर है। 57th क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय, पॉवर्टी की जो इंटेंसिटी है, डेप्थ है जो, वो किससे मेजर की जाती है, ए पॉवर्टी गैप रेशियो, बी हेड काउंट रेशियो, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एंड डी NSS। तो यहाँ पे पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मेजर कैसे की जाती है, तो 57th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पॉवर्टी गैप रेशियो जो है इसी से हम एस्टिमेट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को। 58th क्वेश्चन, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ कौन है, ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमिताभ कांत, डी अरविंद पनागरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अमिताभ कांत जो हैं वो अभी प्रेजेंट सीईओ हैं नीति आयोग के, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी जी, प्रेजिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही होता है, ठीक है। 59th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो इनमें से जो है 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? ए नो पॉवर्टी, बी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सी लाइफ ऑन लैंड, डी क्लीन वाटर सैनिटेशन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी इज द 10th सस्टेनेबल गोल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द टैग लाइन फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना? ए मेरा खाता भाग्य विधाता, बी मेरा खाता मेरा संकल्प, सी मेरा विधाता मेरा खाता, डी मेरा खाता भाग्य बनाता. तो 60th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता जो है टैग लाइन है प्रधानमंत्री जन धन योजना की. 61 क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग किसको कहा जाता है? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महन लोबिस, सी है एम विश्वेश्वरैया, डी है दादाभाई नौरोजी. तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जो है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहा जाता है. ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है? दादाभाई नौरोजी ने. ठीक है, 62nd क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म वॉज गिवन बाय? इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की थ्योरी किसने दी है? ए आर सी दत्त, बी दादाभाई नौरोजी, सी लॉर्ड कॉर्नवेलिस, डी बी के दत्त. तो 62 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने जो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी दी है. ठीक है, इकोनॉमी के रिलेटेड दादाभाई नौरोजी की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रही है. 63rd क्वेश्चन, 5 स्टेजेस मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वॉज गिवन बाय? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का आपको पता है कि पहले 3 स्टेजेस मॉडल दिया गया था. ठीक है, और उसके बाद जो है 5 स्टेजेस मॉडल आया था. तो 5 स्टेजेस किसने दिया था? ए है सी पी ब्लैकर, बी कार्ल मार्क्स, सी वॉरेन थॉम्सन, डी लॉर्ड मेयो. तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सी पी ब्लैकर ने जो है 5 स्टेजेस मॉडल दिया था, और जो वॉरेन थॉम्सन थे इन्होंने 3 स्टेजेस मॉडल दिया था पहले. ठीक है, 64, इंडिया इज इन विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो इंडिया कौन से स्टेज पे है? ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी फिफ्थ, डी सेकेंड. तो 64th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इंडिया इज इन थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. 65th क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कमेटी टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो यहाँ पे पूछा है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा है. ठीक है, तो पहले भी बनी थी 3 कमेटीज़, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहली कमेटी बनी थी वो कौन सी थी ये पूछा गया है. ए है वीएम डांडेकर कमेटी, बी है नेशनल प्लानिंग कमेटी, सी है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, डी है रंगराजन कमेटी. तो 65 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, वीएम डांडेकर कमेटी जो थी यही पहली कमेटी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया. 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इन सीटू कंजर्वेशन? ए सीड बैंक्स, बी बॉटनिकल गार्डन, सी सैक्रेड ग्रूव्स, डी जोलॉजिकल गार्डन्स. तो इनमें से इन सीटू जो होती है, ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन जो होती है वो कौन सी है? तो 66 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सैक्रेड ग्रूव्स जो है ये नेचुरल हैबिटेट में ही उनका देखभाल की जाती है, तो इसी को हम इन सीटू में लाते हैं. और ये जो सीड बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन्स और जोलॉजिकल गार्डन से ये एक्स सीटू हैं. ठीक है, ये ऑफ साइट कंजर्वेशन है. तो 67th क्वेश्चन, रिसेंटली फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज़ बीन सेटअप एट? तो पहला सेंटर जो है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का इंडिया में कहाँ पे बनाया गया है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी गोवा, डी बैंगलोर. तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में जो है पहला सेंटर बनाया गया है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए. 68, खदीजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड रामसर साइट इज सिचुएटेड एट? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान. तो 68 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, खदीजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात में बनाई गई है, और इसी को रामसर साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है. 69, वट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ हंगुल डियर अकॉर्डिंग टू IUCN रिपोर्ट? तो हंगुल डियर का करंट स्टेटस क्या है IUCN रिपोर्ट के मुताबिक? ए एंडेंजर्ड, बी वल्नरेबल, सी एक्सटिंक्ट, डी क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो 69th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है हंगुल डियर का भी एट प्रेजेंट स्टेटस है IUCN रिपोर्ट के द्वारा. 70th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ इकोलॉजी किसको माना जाता है? ए रामदेव मिश्रा, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सोमनाथ मुखर्जी, डी एल्फ्रेड मेयर. तो 70th का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, रामदेव मिश्रा जो है उनको फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो माना जाता है इन इंडिया. ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी ऐसे कौन है? ठीक है, ओडम है, और जो ये एल्फ्रेड मेयर हैं इन्होंने पहली बार जो है कंसेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग जो है वो फाइंड किया था. ठीक है, एल्फ्रेड मेयर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन,
CTRL plus Q is used to, तो ये जो की है CTRL plus Q, ठीक है, इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, A open, B close, C underline, D cut. तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, ठीक है, क्लोज करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल, उसके लिए हम CTRL plus Q जो है ये की यूज़ करते हैं. 72nd, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन, तो आईसी जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं, ये कौन से जनरेशन में यूज़ किए गए थे, ए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, बी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. तो 72 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो यूज़ किए गए थे. 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस, तो ये इनमें से कौन सी जो है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ए टच स्क्रीन, बी कीबोर्ड, सी OCR, D स्कैनर. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टच स्क्रीन को इनपुट भी बोलते हैं और आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है, और OCR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है. 74th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स फॉर मैप बिल्डिंग, सिटी प्लानिंग एक्सेट्रा. तो बड़े बड़े जो बड़ी चीज़ों की प्रिंटिंग जो होती है, ठीक है, हाई स्केल पे, उसके लिए कौन से प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये पूछा है. ई है इंकजेट प्रिंटर्स, बी है प्लॉटर्स, सी है ड्रम प्रिंटर्स, डी है लेजर प्रिंटर्स. तो 74th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर्स आर अ टाइप ऑफ प्रिंटर्स विच आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स फॉर मैप बिल्डिंग्स, सिटी प्लानिंग एक्सेट्रा, ठीक है. 75th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज टॉगल कीज, इनमें से टॉगल कीज किसको कहा जाता है, ए है कैप्स लॉक, बी है नम लॉक, सी है शिफ्ट की, डी है बोथ ए एंड बी. तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, कैप्स लॉक और नम लॉक दोनों को ही टॉगल कीज कहा जाता है, और जो हमारी शिफ्ट की और CTRL होती हैं कंट्रोल की, इनको कॉम्बिनेशन कीज भी कहा जाता है, ठीक है. 76th क्वेश्चन, बेरीबेरी डिजीज़ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B1. तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1 को जो है बेरीबेरी डिजीज़ इसकी वजह से जो है कॉज होती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से. 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रेन विटामिन्स, तो इनमें से ब्रेन विटामिन्स किनको कहा जाता है, ए विटामिन B6, बी विटामिन B9, सी विटामिन B12, डी ऑल ऑफ द अबोव. तो 77th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सब को जो है ब्रेन विटामिन्स का नाम दिया जाता है, ठीक है. 78th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टैट इज यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाय वायरिंग, तो रियोस्टैट जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए बाय वायरिंग, ए करंट, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी रेजिस्टेंस, डी पावर. तो 78th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाय वेरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को वेरी करके जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया जाता है बाय रियोस्टैट, ठीक है. तो 78 का सी राइट आंसर है. 79th, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज गुड ओजोन लेयर, तो गुड ओजोन किसको कहा जाता है, कौन सी लेयर को कहा जाता है, ए है स्ट्रेटोस्फेयर, बी है थर्मोस्फेयर, सी है आयनोस्फेयर, डी है ट्रोपोस्फेयर. तो 79th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर को गुड ओजोन लेयर भी कहा जाता है. 80th क्वेश्चन, बैक्टीरिया येरसीनिया पेस्टिस कॉजेज, तो ये जो येरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है क्या कॉज करता है, ए मलेरिया, बी प्लेग, सी डायरिया, डी वूपिंग कफ. तो 80th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेग इज कॉज्ड बाय येरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया. 81st, विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी विटामिन्स, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें टोटल कितने विटामिन्स हैं, A7, B8, C9, D6. तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 8 विटामिन्स आर इन टोटल इन विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक है. 82, एलिमेंट फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज, तो मून के सर्फेस पे एक एलिमेंट पाया गया है, तो उसका क्या नाम है, ए है टाइटेनियम, बी है टिन, सी है प्लेटिनम, डी है रोडियम. तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टाइटेनियम इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून. 83rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर देयर फूड, तो इनमें से कौन से हैं जो केमिकल रिएक्शन की मदद से जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ए है फोटो वाटर ड्रॉप, बी है पैरासाइट्स, सी है प्रोड्यूसर्स, सी डी है कीमो वाटर ड्रॉप. तो 83rd का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कीमो वाटर ड्रॉप यूजेस केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर देयर फूड. 84th क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज डन बाय ए क्लोरोप्लास्ट, बी एपिब्लेमा, सी जाइलम, डी फ्लोएम. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके द्वारा की जाती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी एपिब्लेमा, ठीक है. एपिब्लेमा जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे रूट हेयर्स में, जो प्लांट्स के रूट हेयर्स होते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है, और यही जो है वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है प्लांट्स को. 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ए सोलर एनर्जी, बी बायोगैस, सी थर्मल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी, डी टाइडल एनर्जी. तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. 86 क्वेश्चन, 2 miles beyond that pasture dash seen hundreds of cattle including some lambs. तो ये इंग्लिश में से हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से आप ए बी सी डी में से कौन सी जो है ब्लैंक में फिल करके उसको राइट आंसर बना सकते हैं. तो ए है वॉज, बी है हैज, सी है इज, डी है वर. तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, वर जो है यहाँ पे आएगा. 2 miles beyond pasture वर सीन hundreds of cattle including some lambs. ठीक है, तो वर इज द राइट आंसर. 87th क्वेश्चन, दे एज वेल एज रेनू डैश स्वीट्स. तो दे एज वेल एज रेनू में क्या आएगा डैश स्वीट्स में, ए लाइक, बी लाइक, सी हैज लाइक, डी इज लाइकिंग. तो 87th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दे एज वेल एज रेनू लाइक्स स्वीट्स. ठीक है. 88th, चूज द ऑप्शन सिमिलर टू द वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है एमिकेबल. एमिकेबल जो है इसका सिमिलर हमने मतलब बताना है कौन सा वर्ड है. ए नेब्यूलस, बी एबोमिनेबल, सी हारमोनियस, डी डेलिकेट. तो 88th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, हारमोनियस जो है इट इज़ सिमिलर टू द एमिकेबल वर्ड. ठीक है. 89th क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन अपोजिट टू द वर्ड. अब हमने अपोजिट बताना है एंटोनियम. तो मंडेन जो है इसका अपोजिट क्या है, ए है जेनरस, बी है सबलाइन, सी है रेसिप्रोकल, डी है अर्थली. तो 89th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, मंडेन का जो अपोजिट वर्ड है वो है सबलाइन. 90th क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस इज कॉल्ड. तो एक शॉर्ट स्टे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए है हॉल्ट, बी है इंटरल्यूड, सी है इंटरमिशन, डी है सोजॉर्न. तो 90th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, सोजॉर्न इज अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर वी आर नॉट, वी हैव नॉट बीन एनी टाइम. ठीक है, जब वहाँ पे हम कभी नहीं गए. ठीक है, और उस जगह पे एक छोटा सा स्टे करना उसको हम सोजॉर्न बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पे हमारा कोई घर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है और वहाँ पे हमने एक शॉर्ट स्टे किया है तो उसको सोजॉर्न बोलेंगे. 91st क्वेश्चन, देन यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो लगाना है. तो यहाँ पे दिया है देन पी है इट स्ट्रक मी, क्यू है ऑफ कोर्स, आर है सूटेबल इट वाज, एस है हाउ एमिनेंटली. तो ऑप्शन ए है एस पी क्यू आर, बी है क्यू एस आर पी, सी है पी एस आर क्यू, डी है क्यू पी एस आर. तो 91 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, यहाँ पे पी एस आर क्यू आएगा. देन पहले आएगा P, इट स्ट्रक मी. ठीक है, हाउ एमिनेंटली जो है दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे सूटेबल इट वाज, एंड ऑफ कोर्स जो है ये थर्ड फोर्थ नंबर पे आएगा. ठीक है, देन इट स्ट्रक मी, हाउ एमिनेंटली सूटेबल इट वाज, ऑफ कोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क. तो आई सॉ डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए है एन, बी है ए, सी है दी, डी है नो आर्टिकल. तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आई सॉ एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क. 93rd क्वेश्चन, ही इज नथिंग डैश माई सपोर्ट, ए है विद, बी है विदाउट, सी है ड्यू टू, डी है बाय. तो 93rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ही इज नथिंग विदाउट माई सपोर्ट. 94th क्वेश्चन, द टीचर प्रेज्ड हिम. तो इसका हमने बताना है. ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस है. तो ए है द टीचर, ए है ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, बी है ही वॉज बींग प्रेज्ड बाय टीचर, सी है टीचर वॉज प्रेजिंग हिम, डी है ही वॉज प्रेज्ड बाय ऑल द टीचर्स. तो ऑल द तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है तो ये गलत हो गया. टीचर वॉज प्रेजिंग हिम ये भी गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 94th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर जो है इसका राइट आंसर है. 95th क्वेश्चन, ही सेड आई विल बी देयर एट 2 PM. तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. आई विल बी देयर एट 2 PM, इसको हमने जो है चेंज करना है. तो ए है ही सेड ही विल बी देयर एट 2 PM, बी है ही सेड ही वुड बी देयर एट 2 PM, सी है ही सेड ही मस्ट बी देयर एट 2 PM, डी है ही टोल्ड हिम दैट ही वुड बी देयर एट 2 PM. तो 95th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ही सेड ही वुड बी देयर एट 2 PM. ठीक है, 96th क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लिए हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, उसका आपने बताना है कि कौन से कंक्लूजन जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है. तो स्टेटमेंट क्या है, सम शिप आर एरोप्लेन, ऑल एरोप्लेन आर जेट. तो यहाँ पे बोला है कि कुछ शिप जो है वो एरोप्लेन है और सारे एरोप्लेन हैं जो वो जेट हैं. तो कंक्लूजन देख लेते हैं. फर्स्ट है सम एरोप्लेन्स आर जेट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ऑल एरोप्लेन्स आर जेट. ठीक है, तो मतलब सम एरोप्लेन्स आर ऑल्सो जेट. सेकंड है ऑल जेट आर शिप, लेकिन यहाँ पे ऑल जेट आर शिप नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि
सम शिप आर एरोप्लेन, और हमें क्या पता कि वो वाले जो शिप एरोप्लेन है वो जेट है या नहीं है, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें सिर्फ पहली कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगी। आई होप सबको समझ आया होगा। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 97th क्वेश्चन, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इनमें से जो फिगर सबसे अलग है वो हमने चूज़ करनी है। ए जो है आपको पता है यहाँ पे एंड का साइन है, नेगेटिव है, प्लस का है, एंड का है, नेगेटिव है और प्लस का है। बी में भी नेगेटिव है, प्लस है, एंड है, नेगेटिव प्लस एंड है। सी में भी नेगेटिव एंड है, नेगेटिव है, प्लस है, एंड है, नेगेटिव प्लस है। बट डी जो है इसमें हमें एंड के साथ प्लस तो दिया है, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू का साइन है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंट फिगर फ्रॉम ऑल अदर फिगर्स, ठीक है। तो 97 का डी है। 98th क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सीरीज, तो इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। तो 5 दिया है, 9 दिया है, 17 है, 29 है, 45 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 60, बी है 65, सी है 70, डी है 68। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 65 जो है वो राइट आंसर है। 5 के बाद हमने जो है 9 कैसे आया, हमें प्लस 4 किया हमने, फिर उसके बाद 9 के बाद जो है हमारा 17 कैसे आया, हमने प्लस 8 किया। इस तरीके से हम जो है ऐड ऑन करते जाएंगे, तो लास्ट में जो है हमारा 45 के बाद जो है वो 65 आंसर आएगा, ठीक है। 99th क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 99th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज चैम्पियन इज कोडेड एज HCMAIPNO, हाउ इज नेगेटिव कोडेड इन दैट कोड। तो यहाँ पे आपको देखने की चैम्पियन को ये कैसे कोड किया है। तो सबसे मतलब देखो, आपको सबसे पहले ध्यान से उस वर्ड्स को देखना है। यहाँ पे CH जो है उसको उल्टा कर दिया पहले इन्होंने, ठीक है, और AM को भी MA कर दिया, ठीक है, PI को IP कर दिया और ON को NO कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से जब हम नेगेटिव देखेंगे तो EN कर देंगे पहले हम, फिर AG कर देंगे, फिर IT कर देंगे और EV कर देंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये कहाँ पे है हमारा, 99 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो पहले इनिशियल्स थे उनको अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। तो बी राइट आंसर है। 100th क्वेश्चन, Pointing towards a girl, Raj said she is daughter of my mother's daughter. तो राज ने एक गर्ल की तरफ, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये जो है बेटी है मेरी माँ की बेटी की। Then how is girl related to Raj? तो राज से वो लड़की कैसे रिलेट हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉटर, बी है अंकल, सी है नीज, डी है नेफ्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ही वॉज द नीज ऑफ राज। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। हमने मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े एक्सक्लूड किए हैं बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, सॉल्विंग में। और यही आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट करके अपना स्कोर जो है 100 में से ज़रूर बताइएगा कि कितना आया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए मॉक टेस्ट में लाएँ। सो थैंक यू सो मच।